कर्क राशि शनि का फल बता रहे हैं। शशि निकेतन गामिनी भानुजे तनुभृताम कृषताम भ्रजमं भया वर विलास करा कमला भवेद अविरलम विरलम रिपमंडलम। भानुजे भानु का पुत्र, भानु से जन्य जो शनि, शशि निकेतन गामिनी, शशि चंद्रमा का घर जो कर्क राशि है उसमें रहता हुआ समय में जो जन्म हुआ है जिस बच्चे का, उस जातक को क्या फल मिलेगा? जातक और उसके अंबया, अंबया सह तनुप्रदान कृषताम भृशम, दोनों के शरीर निश्चित रूप से दुर्बल रहेगा। अंबया तनुभृताम कृषताम भृशम भवति, माने माँ के सहित इस स्थिति में पैदा हुआ बच्चे का दोनों का शरीर सदा दुर्बल रहता है। वर विलास करा कमला भवेत अविरलम विरलम रिपमंडलम। इतना ही नहीं, समस्त आनंद उपभोग की सामग्री से वह संपन्न रहता है। वर विलास करा, श्रेष्ठ भोग के साधनों से संपन्न रहता है। और अविरलम कमला भवेत, विरल नहीं है, अविरल है, मन अनंत ऐश्वर्य अनंत धन से युक्त रहेगा, अपार लक्ष्मी संपन्न रहेगा। और शत्रु भी बहुत कम होंगे, विरलम रिपमंडलम, शत्रुओं के झुंड में भी अत्यंत अल्प ही होगा शत्रु। यह श्रेष्ठ अच्छा फल है। यहां पर लिपि कला कुशलश्च कलिप्रिय विमलशील विहीन तरो नरः रविसुते रविवेश्मनि संस्थिते हतनयस्तनय प्रमदार्तिभाक। हतनय और तनय प्रमदार्तिभाक, कब? जब रविसुते रविवेश्मनि संस्थिते, रवि का पुत्र मनि शनि, जो रवि का घर कौन है? सिंह राशि, सिंह राशि में संस्थित हो तो लिपि कला कुशलश्च, लेखन कला में वो निपुण होगा। और लेकिन झगड़ालू कलिप्रियो विमलशील विहीन तरो नरह, और वह सौभाग्य से रहित रहने वाला होता है। शील विहीन है, विमल शील हीन माने अच्छे स्वभाव गुण आदि से वह रहित रहेगा, अर्थात इन सीधे कहो चरित्रहीन होगा। वह मनुष्य अत्यंत ही सौजन्य आदि से रहित हो जाता है। हता नयः, और उसके जो पुत्र हैं वह नीति आदि से हीन रहते हैं। तनयः हता नयः मने, तनयः मने संतान पुत्र आदि, वे नय मने नीति से हत रहित हो जाते, वे भी किसी प्रकार का नीति को समझने वाले नहीं है। प्रमदार्ति भाग, बल्कि स्त्री रोगी होती है। प्रमदा जो है, ऐसे व्यक्ति के जो पत्नी है वो आर्ति भाग अनेकों रोगों से पीड़ित रहने वाली होती है। विहित कर्मणि शर्म कदापि नो विनयतो पहतश्चल सौहृदः रिपुसुते सति कन्यकयान्वित विबलता बलता सहितो भवेत। रिपुसुते सति कन्यकयान्वित, शनि जब कन्या राशि में हो तो वह व्यक्ति अपने कैसे रहता है? वीत कर्मणी शर्म कदापि नो, कदापि नो, वो मात्र कट गया इसका। वह अपने लिए विहित जो कर्म होते हैं वर्णाश्रम के अनुसार, उन कर्मों में कभी भी आनंद संतोष का अनुभव वह नहीं करता। शर्म है तो उसकी शरण में नहीं जाता, और शमम है तो उसे सुख शांति प्राप्त नहीं करता।
हित कर्मणि समम कदापि नो, अथवा वह रेफ है शर्म कदापि नो, दोनों अर्थ हो सकता है। और विनयता उपहत है, विनय भाव विनम्रता से वह रहित होता है, चल सौहृद क्षणिक मित्रता वाला होता है, चलायमान मित्रता, नाटकीय मित्रता, ढोंगी मित्रता है, मतलबी मित्रता है, ऐसे रखने वाला। और विबलता बलता सहितो भवेत, कभी बलवान हो जाता है और कभी दुर्बल हो जाता है, उसका एक स्वास्थ्य एक तरह नहीं रहता, साम्य नहीं रहता है, बराबर नहीं रहता, कभी झट्टा कटा तगड़ा हो जाएगा, अरे एकदम ये वो हो गया दुनिया बीमारी, एकदम दुबला पतला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ये फल होता है। या कन्या राशि में शनि हो तो, तुला राशि का बता रहे, निज कुले अवनिपाल बलान्वित स्मर बला कुलितो बहुदानद जल जिनीश सुत तुलयान्वित नृपकृतो पकृतो ही नरो भवे। जलजिनी का ईश, कमलिनी का जो ईश सूर्य, उसका जो सुत मने शनि, सूर्य के पुत्र है शनि, तुलयान्विते जब तुला राशि से अन्वित होगा मने उसमें विराजमान से चल रहा है, तब निज कुले ऐसे मनुष्य के अपने कुल में अवनिपाल बलान्वित राजे के समान बल वाला होता है। स्मर बला कुलितो, स्मर मने काम के बल से आकुलित रहता है, मने अतिशय काम ही रहता है, वो कामना से पीड़ित रहता है। और कैसे होता है, बहुदान दह अधिक दान देने वाला, नृप कृतो पहकृतो इन अरो भवे, और राजा से सदा उपकृत होता है, उपकार को प्राप्त करते रहता है। विषहुताशन शस्त्र भयान्वितो धन विनाशन वैरी गदार्दित विकलिता कलितो वलि समन्वितो रविसुतो विसुतो प्यसुखी नरः। रविसुतो अलि समन्वितो, रवि का पुत्र शनि जब वृश्चिक राशि में विराजमान हो तो उस संदर्भ में यदि जो बच्चा पैदा होता है उस जातक को क्या फल मिलेगा, कहते विष हुताशन शस्त्र और भय। विष मने जर, हुताशन अग्नि, एवं शस्त्र का भय से सदा वो युक्त रहता है। धन विनाशन वैरिक गदार्दित, धन हानि होता है और शत्रु और रोग से, वैरी और गदा मने रोग, इन दोनों से वह अर्दित मने पीड़ित रहता है। और विकलिता कलितो, व्याकुलता से युक्त रहेगा, और अंत में कद्य विसुतो पुत्रहीन और अपि असुखी न रह, तथा वह मनुष्य सदा दुखी ही रहने वाला होता है। रविसुते न युते सति कार्मुके सुत गणी परिपूर्ण मनोरथ प्रथित कीर्ति सुवृत्ति परो नरो विभवतो भवतो शयुतो भवे। रविसुते न युते सति कार्मुके, धनुराशि कर्मफल का पूता भाग्य का राशि है धनुराशि, उस धनुराशि में यदि रवि का सुत मने शनि विराजमान हो, उस स्थिति में जनवा जो बच्चे होते हैं उनको क्या होता है, तो पुत्रों द्वारा मनोरथ को पाने वाला होगा। सुत गण ही परिपूर्ण मनोरथ, अपने मनोरथ को स्वयं कभी पूरा नहीं कर पाता, एवं उसके संतान उस पिता के सगल जो है मनोरथों को पूरा करने वाले होते हैं, ऐसे संतान उसको प्राप्त होगा। और कैसे होते हैं, प्रतित कीर्ति ही विख्यात यशस्वी, सर्वत्र विख्यात होगा, सर्वत्र नाम होगा उसका। और सुवृत्ति परो नरो, और साधनों उत्तम साधन, सुवृत्ति उत्तम साधन युक्त
होता है, जीविका को भी पाने वाला होता है। वैभव से विभवतो भवतोषयुत, संपत्ति द्वारा वह सांसारिक जितने भी सुख है, भवतोष मने सांसारिक सुख है, उन सभी सुखों से वह युक्त हो जाता है। नरपते रति गौरवतां व्रजेत, रविसुते मृगराशिकते नरः, अगरुणा कुसुमैर मृग जातया, इमलया मलया चल जैः सुखम। मकर राशि में अर्थात स्वराशि में शनि है। अब शनि कहाँ है? अपने राशि में बैठा हुआ है। मकर और कुंभ दोनों उसका अपना राशि है, और उस समय में बच्चे का जन्म भी हुआ है तो क्या क्या फल मिलता है। मृग राशि गते रवि सूते, मृग राशि मैंने मकर राशि में विराजमान है रवि सूत शनि। तवा नरः नरपतेर अति गौरवतां व्रजेत, मनुष्य राजा के सम्मान प्राप्त करने वाला है, राजा से सम्मान को प्राप्त करने वाला होगा। और अगरुणा कुसुमैर मृग जातिया विमलया मलया चले ही सुखम प्राप्त होती। और क्या क्या प्राप्त करता है? अगरु पुष्प कस्तूरी, मृग जात मने कस्तूरी, अगरु का होता है ऐसा आपके धूप और अगरबत्ती बनाने प्रयोग होने वाले सुगंधी पौधों का नाम है ये। कुसुम तो कुसुम अनेक प्रकार के सुंदर पुष्प सुगंधी पुष्पों को लेना, नकली पुष्प नहीं जिसका कोई सुगंधी नहीं। हमारे यहाँ पे हो टंगे हुए हैं नकली पुष्प, देखो ऊपर। हाँ ओरिजिनल जैसे दिखते हैं, ये तो होता है नकली की विशेषता होती है, ओरिजिनल को फीका कर देंगे वो। और कुसुम विभिन्न प्रकार के पुष्प, मृग जात मृग मने हिरण, उसके नाभि में होने वाला जो कस्तूरी, हिमलया मलया चलैर और मलयाचल में होने वाले चंदन है ना, उन सब के उत्पन्न सुगंध हम निर्मल मलयागिरी के जी में उत्पन्न होने वाला चंदन आदि से वह सुख प्राप्त करने वाला होता है। अर्थात सर्व श्रृंगार सुख भोगने वाला होता है, निष्कर्ष निकलता है। कुंभ राशि में शनि आ जाए तो नन्नुजितो रिपुभिर व्यसनावृतैर वीत कर्म परांग मुखतान्वित रविसुते कलशेन समन्वित सुसहित सहित प्रचयर्नर। कहते हैं रविसुते कलशेन समन्वित, रविसुत शनि जब कुंभ राशि से युक्त हो जाए तो वह मनुष्य सदा ही रिपुभिर जितो शत्रुओं से वह पराजित होता है। शत्रु जीत लिया जाता है मैंने शत्रु जीत जाते हैं, वो हार जाता है। और व्यसनावृत ही व्यसन से हमेशा आवृत रहता है, व्यसनों से घिरा हुआ रहता है वो। विहित कर्म परामुखतान्वित, अपने लिए विहित जो वर्ण और आश्रम के कर्म है विशिष्ट कार्य है उनसे वह मुख रहता है। सुसहित सा हिता प्रचयर नरई, और अच्छे लोगों का साथी तथा हितैषियों से भी वह युक्त होता है। हिता प्रचयर सहित स्वभावती, हित को चाहने वाले जो लोग होते हैं सत्पुरुष होते हैं सज्जन होते हैं, और ऐसे ही लोगों का वह साथी बनता है और उन सब से वह युक्त रहता है। विनयता व्यवहार सुशीलता सकल लोक गृहीत गुणो न रहो उपकृतौ निपुणस्तिमि संश्रिते रवि भावे विभावे न समन्वितः। तिमि संश्रिते रवि भावे, तिमि मने मीन राशि में संश्रित है कौन? रवि से पैदा हुआ शनि। तब क्या होता है? वह व्यक्ति विनयता अत्यंत विनम्र भाव से युक्त होता है, व्यवहार सुशीलता अत्यंत व्यावहारिक रहेगा और सुशील भी रहेगा। सकल लोक गृहीत गुणों, लोगों से गुण ग्रहण करने वाला होगा,
गुणग्राही स्वभाव से हर एक चीज से गुण ग्रहण करने वाला। चाहे दत्तात्रेय भी 24 गुरु बना लिए थे नहीं, प्रकृति के सब पदार्थों को गुरु में सबसे गुण ग्रहण किए, वैसे गुणग्राही होते हैं लोग। दो ही प्रकार के इस दुनिया में होते हैं, या तो व्यक्ति गुणग्राही होता है या व्यक्ति दोषदर्शी होता है, दूसरों को दोष देखने के स्वभाव वाला, कमियां निकाल के पक पक करते रहे, खुद की कमी तो देखा गया नहीं लेकिन दूसरे की कमी निकालते रहे, दूसरे पर दोष देखते रहेगा। अधिकतर लोग यही होते हैं, दोषदर्शी होते हैं, इन गुणग्राही कोई कोई होते हैं। अपने दोषों को जान करके दूसरों को गुण ग्रहण करता हुआ जीवन को सुधारने वाले तो कोई कोई होता है। हम ऐसे लोगों को बोलते हैं वो माई का लाल है, बाकी सब चुड़ैल के लाल है। सकल लोक गृहित गुणों न रहा उपकृत निपुण, और दूसरों को उपकार करने में और उपकार करने वालों को मानने में भी बहुत आगे रहता है, उपकार मानने वाला होता है। विभवेन समन्वित और निपुण, निपुण भी है वो सकल व्यवहार में, तथा धन से भी वह युक्त होता है जो मीन राशि में शनि हुआ करता है, उस स्थिति में जन्म हुआ बच्चे के हाथ होता है। इस प्रकार से 12 राशियों में नव ग्रहों का चरण होने पर क्या फल होता है, 9 नहीं 7, 7 से ही शनि से ही राहु के तो पकड़ना है। अब ग्रह मैत्री का प्रयोजन बताना आरंभ करते हैं। नैसर्गिक मैत्री कैसे देखा जाता है, तात्कालिक मैत्री कैसे निकाला जाता है, पंचधाम मैत्री क्या होता है, ये तीनों प्रकार के मैत्री को जाने बिना फलादेश करना महामूर्खता है। ये जाने बिना बल कतई ही नहीं होगा ना, कौन के शत्रु क्या है, तात्कालिक होना बहुत जरूरी, तात्कालिक मित्र समझना। तो देखो स्वयं कथा रहे, कह रहे ग्रह मित्र प्रयोजन, विना ही मैत्रीं खलु खे चराणाम न ज्ञायते ह्युत्तम मध्यहीनता महादशांतर विदेशाधिकानाम तस्मात् प्रवक्षे खलु मैत्री चक्रम। 11 अक्षर वाला इंद्रवज्रा छंद। विना ही मैत्रीं खलु खे चराणाम ग्रहाणाम इत्यर्थ, ग्रहों के मैत्री को जाने बिना न ज्ञायते, व्यक्ति का ज्ञान नहीं हो सकता उत्तम ग्रह कौन है, मध्यम ग्रह कौन है, हीन ग्रह कौन है, उत्तम मध्यम हीनता का वह ज्ञान नहीं कर पाएगा, कोटि का ज्ञान उसको नहीं हो सकता। तो महादिशा अंतरदिशा विदिशा आदि गुण का जो है फल वो कथन नहीं कर पाएगा, क्योंकि न मित्र सम और शत्रु आदि के ज्ञान के बिना वह महादिशा या अंतरदिशा या शुभाशुभ फलों को बताने के लिए जो प्रत्यंतरदिशा आदि सूक्ष्मांतरदिशाओं तक जाकर के फलों के उत्तम मध्यम और हीन कोटि का ज्ञान उसे नहीं हो सकता। अतः जो है यह ग्रह मैत्री चक्र को अब हम बताने जा रहे हैं, प्रबल प्रवक्ष हम मैत्री चक्रम, इसलिए मैं अब मैत्री चक्र को कथन करने आरंभ करता हूं। क्योंकि एक ग्रह होता है उसमें अंतरदशा होगी, प्रत्यंतरदशा होगी, सूक्ष्मांतरदशा होगा, प्रतिसूक्ष्म दशा होगी, 5 कोटि तक आप जा सकते हैं। तो 5 कोटि में सभी एक ही ग्रह थोड़े रहेंगे, महाशय राहु की चल रही है, अंतर से मान लो शनि का है, प्रत्यंतर गुरु का है, उसके जो सूक्ष्मांतर जो है आपका मंगल का है, उससे प्रति सूक्ष्मांतर आपको चंद्र का है, अलग अलग रहेंगे। अब उन पांचों को आपस में देखो कितनी बला बल तय हो रहा है, उसके आधार पर फल तय होगा। केवल महादशा देकर फल बताते हैं वो गलत है, प्रत्यंतरदशा देकर फल बताएंगे गलत बता रहे हैं, एक को देकर फल कभी नहीं बोल सकते हैं। महाशय अंतरदशा बस दो ही लेके चलते हैं, और उन दो लेकर जो बोल रहे उसे दोनों में मैत्री है कि शत्रुता की क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है। यदि दोनों तात्कालिक उसके अपने जन्म कुंडली में जो होता है वो तात्कालिक कहा जाता है, और वैसे स्वभावत उसको नैसर्गिक कहते हैं, कौन किसके मित्र शत्रु स्वभावत अलग चीज है, नैसर्गिक जो कहा जाता है उसको नैसर्गिक मित्र चक्र बताएंगे, उसको भी पहले नैसर्गिक को भी बताएंगे, उसके आधार पर आप निकालोगे पंचधाम मैत्री
और उसके आधार पर निकालेंगे आप जो है तात्कालिक मैत्री। ये तात्कालिक मैत्री निकाले बिना फलादेश हो ही नहीं सकता है, उसके लिए आरंभ कर रहे। देखो नैसर्गिक मैत्री पहले आपको दो श्लोकों में बोलेंगे, शार्दूल विक्रीडित छंद में बोल रहे हैं। शत्रु बंदसित समस्त शशि जो मित्रानिशेषारवेश तीक्ष्णांशु हिम रश्मिजश्च सुहृदो शेषा समा शीतगोः। जीवेन्दुष्टकरा कुजस्य सुहृदो ज्योरि सितार्की समौ मित्रे सूर्यसितौ बुधस्य हिमगु शत्रु समाश्चापरे। रवे है पहले सूर्य का बता रहे नैसर्गिक, रवे है शत्रु मंदसितौ। रवि के शत्रु दो हैं, मंद मने शनि, सित मने शुक्र। शुक्र और शनि ये दोनों सामान्य नैसर्गिक स्वाभाविक सूर्य के शत्रु हैं। समस्त शशि जो, शशि से पैदा हो कौन है बुध, वह सूर्य के लिए सम है। और शेष जो बच गए हाँ शेषा मित्राणी रवे है, शेष कौन बच गया चंद्र मंगल गुरु, ये तीनों तीनों उनके मित्र होते हैं। अतः तीन मित्र हो गया, एक सम दो शत्रु, तीन एक चार दो छह, और सुर खुद एक सात। और राव की तो जानते जो जा रहेगा उनके साथ वैसे ही हो जाता है, उसका अपना कोई अतिरिक्त नहीं है भाव। जिस घर में रह रहा है जिस ग्रह के साथ रह रहा है उसके अनुसार जैसा फल के लो वही करेगा, और उसके लिए उनके साथ देने वाला शनि महाराज बैठे हुए हैं। शनि को देखते रहते हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो जैसा संकेत करेंगे वैसे करेंगे, उन्हें ताली बजा तो ताली बजा देंगे, नहीं पलट दो तो पलट देंगे। शनि के अधीन होते हैं सभी क्रूर ग्रह, और शनि जो है सूर्य का शत्रु होता है। और तीक्ष्णांशु हिम रश्मिजश्च सुहृदौ शेषा समा शीतगोः। शीतगोः शीत किरणों वाला जो चंद्रमा है, चंद्रमा के बारे बता रहे हैं। चंद्रमा के मित्र कौन है, सूर्य और बुध। तीक्ष्णांशु तीक्ष्ण है किरण जिसका माने सूर्य, हिम रश्मि जश्च, हिम रश्मि शीतल रश्मि कौन है चंद्रमा, उसे जो पैदा हुआ कौन है बुध। शीतांश करते इसलिए सूर्य, और हिम रश्मि ज करते बुध, ये दोनों चंद्रमा के मित्र होते हैं। अन्य सभी ग्रह बाकी चारों के चारों सम होते हैं, शत्रु कोई नहीं है, राहु केतु इनके शत्रु केवल। अन्य सभी ग्रह मने मंगल गुरु शुक्र और शनि ये चारों के चारों संशेषा समाह। जीवेन्दुष्ट करा कुजस्य सुहृद, मंगल की कहानी शुरू करते हैं। कुजस्य मने मंगलस्य, जीव इंदु और शुक्रा मने गुरु चंद्र और सूर्य, ये तीनों के तीनों मित्र होते हैं। जो अरिहि और बुध जो उसका समराशि होता है, मंगल के मित्र हो जाएंगे बृहस्पति चंद्र सूर्य, शत्रु होता है अरिहि ज मने बुध, बुध हो जाएगा शत्रु, और समराशि कौन रह जाएंगे सितार की शुक्र शनि, ये दोनों समौ। मित्रे सूर्य संसितौ बुधस्य हिमगु, और बुध का सूर्य और शुक्र ये दोनों मित्र होते हैं। हिमगु शत्रु चंद्रमा शत्रु होता है, और अन्य समाचा परे अन्य मने गण मंगल गुरु शनि ये तीनों के तीनों सम होते हैं। सूर्य सौम्य सितावरी रविसुत मध्यो अपरे तन्यथा सौम्यार की सुरदौ समौ कुज गुरु शुक्रस्य शेषावरी। शुक्र ज्यौ सुरदौ समः सुर गुरु सौरस्य चान्ये अरयः तत्काले च दशाय बंधु सहज स्वान्तेश मित्रं स्थितः। देखिए कहते हैं सूर्य है, अब बुध तक हो गया था, सौम्य सितावरी रविसुतो
सौम्य होते हैं, बृहस्पति के बुध और शुक्र, ये दोनों क्या है? सौम्य और शुद्ध। सौम्य का बेटा कौन है? बुध। और शित मन शुक्र, ये दोनों अरी अरी हो जाएंगे, शत्रु हो जाएंगे। किसके? बृहस्पति के। सूर्य, सूर्य मने गुरु, गुरु मने बृहस्पति। सूर्य का बनता है सूर्य है षष्ठी, सूरी, सूर्य मने विद्वान ज्ञानी गुरु। वह गुरु ग्रह का ये दोनों शत्रु हैं, कौन? बुध और शित मने शुक्र, ये दोनों शत्रु। रवि सुतो मध्य, और शनि क्या हो जाएगा? मध्य समय। और अन्य ग्रह सूर्य चंद्र और मंगल, ये तीनों के तीनों मित्र हो जाएंगे। और शुक्र के बारे में बता रहे हैं अभी, शुक्र के मित्र कौन है? बुध और शनि मित्र है। मंगल और गुरु सम है, और नहीं मंगल और गुरु, हाँ मंगल और गुरु दोनों दे रहे ना, कुज गुरु समो। श्लोक में देखो सौम्यार की सूर्य, सौम्य मने बुध, अर्की मने शनि, ये दोनों हो गया सूर्य मने मित्र, और कुछ और गुरु मंगल और गुरु सम हो जाएगा, किसके? शुक्र का। शेष वरी, बाकी जो शेष दो बच गए वो दोनों शत्रु होंगे। अच्छा, और शेष जो बच गए शत्रु, शेष कितने बचे? सूर्य और चंद्र, वे दोनों को शत्रु माना जाएगा। और शनि के बारे बता रहे हैं अभी, शुक्र ज्यो सूर्द, शुक्र और ज मने बुध, ये दोनों क्या है? मित्र है। समह सुर गुरु, और गुरु जो होता है वह सम होता है। सौरस चान्यो अरयः, और शे सब क्या है? वो शनि का शत्रु होते हैं। बृहस्पति सम हो गया, अन्य बचे कौन? सूर्य चंद्र मंगल, ये तीनों शत्रु होते हैं। यह नैसर्गिक मैत्री बता दी गई। अब तात्कालिक मैत्री के निर्णय बता रहे, तत्काले च, तत्काले च कौन मैत्री बनता है, कौन शत्रु बनता है, कैसे जाना जाता है वो बता रहे हैं। दशाय बंधु सहज स्वान्त्येषु मित्रं स्थितः, तात्कालिक में दो ही देखी जाती है, मित्र और शत्रु, सम नहीं होता। जो जहां बैठा है वहां से इन जगहों में हो तो मित्र है, इसे भिन्न जगह में हो तो शत्रु। कौन से बता रहे हैं? देखो दशा माने दशम भाव, दसवां स्थान, अपने स्थान से दूसरे तीसरे चौथे दसवें ग्यारहवें और बारहवें भाव में हो जो ग्रह हो वे तात्कालिक मित्र कहे जाएंगे। अपने स्थान से दूसरे, स्व से दूसरे हो गया, अंत में बारह, दशम माने दसवां, आय माने ग्यारह, और बंधु मने चौथा, सहज मने तीसरा, और स्व मने दो, अंत मने बारह, मने दो तीन चार दस ग्यारह बारह, इन छ में रहेंगे अपनी राशि से। इन छह स्थानों में कहीं होगा, स्व स्थान से अपने स्थान से इन छह में जहां भी रहेगा ग्रह उसको मित्र माना जाएगा। और से भिन्न स्थान कौन बच गया आपका? एक पांच छह सात आठ नौ, इन छह स्थानों में रहेंगे उन्हें शत्रु माना जाएगा। इससे भिन्न वही लग रहे, लग्न मन एक पांच छह सात आठ और नवम भावों में स्थित ग्रह तात्कालिक शत्रु होते हैं। नैसर्गिक मैत्री चक्र बता रहे हैं, तो मित्र कौन है? सूर्य का चंद्र मंगल गुरु, और सम है बुध, शत्रु है शुक्र और शनि। चंद्र का मित्र सूर्य और बुध, बाकी चारों सम होते हैं, शत्रु कोई नहीं होता। मंगल का सूर्य चंद्र गुरु मित्र है, और शुक्र और शनि सम है, बुध शत्रु है। बुध का सूर्य शुक्र मित्र है, मंगल गुरु शनि सम है, चंद्र शत्रु है। गुरु सूर्य चंद्र मंगल मित्र है, गुरु का सम शनि है, गुरु का शत्रु बुध और शुक्र होता है। शुक्र के भी मित्र बुध और शनि, सम मंगल और ब्री, बू हो गया वो ब्री बनाओ बृहस्पति, और सूर्य और चंद्र शत्रु होता है। अब इधर शनि का मित्र है बुध और शुक्र, सम है गुरु,
और शत्रु है सूर्य चंद्र मंगल, ये सही हो गया। लिखा गया नीचे तात्कालिक मित्र स्वस्थान से 2, 3, 4, 10, 11, 12 भावों में स्थित ग्रह, और तात्कालिक शत्रु है या स्वस्थान से 1, 5, 6, 7, 8, 9 भावों में स्थित ग्रह। मित्रम उदासीनो अरिर्व्याख्याता ये निसर्ग भावेन ते अजुसृन मित्र समास तत्कालम उपस्थिताश्चिंत्याः। विषम छंद है, 9, 8 है, कहीं कुछ है, है? मित्र उदासीन मने सम और अरि मने शत्रु का व्याख्याता ये निसर्ग भावेन का जो विवेचन नैसर्गिक भाव से किया गया है ते वे ही फिर क्या हो जाएंगे, आदि मित्र हो जाएंगे, आदि सुहृत मित्र समा तत्काल समस्तताश्चिंत्या, उसी के आधार पर आपको इनका भी चिंतन करना है। तात्कालिक मित्र शत्रु संबंध ज्ञात करके ही आदि मित्र कौन है, मित्र कौन है, सम आदि का निर्णय करना चाहिए। कैसे करना है अगले दृष्टांत से आपको सब बता दिया जाएगा। अभी प्रक्रिया बता रहे हैं श्लोकों में। मूल त्रिकोण या गच्छपी है, उत्तरी आगे जाएगा, ष्ठ पहले आएगा। मूल त्रिकोण षष्ठ त्रिकोण निधनैक राशि सप्तमगाः एक एकस्य यथा संभवन्ति तात्कालिका रिपवः। ये तात्कालिक शत्रुओं का वर्णन कर दिया, वो तात्कालिक मित्र और ये तात्कालिक शत्रु। दस 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 सात विषम छंद है, 10-10 अक्षर पूर्वार्ध में, 10-7 उत्तरार्ध में। मूल त्रिकोण से आरंभ करो, मूल त्रिकोण से आरंभ करके षष्ठ छठा स्थान, फिर पांचवा नौवा आठवां स्थान और प्रथम स्थान एवं आपके जो है सप्तम स्थान। मूल त्रिकोणात षष्ठ, मूल त्रिकोण षष्ठ, फिर त्रिकोण, त्रिकोण में कौन आएगा, 1, 5, 8, उसे स्पष्ट करते हुए त्रिकोण निधन एक राशि मैंने प्रथम राशि एवं सप्तम गाह सात्य में हो तो एक एक यथा संभवंती एक एक का भी जैसे विहोव है उनको तात्कालिक शत्रु समझना चाहिए। मूल त्रिकोण से षष्ठ सप्त पद दिखाया, पंचम नवम अष्टम और प्रथम सप्तम स्थानों में स्थित प्रत्येक ग्रह को तात्कालिक शत्रु होता है माना जाता है। यद्यपि एक सामान्य सिद्धांत है, ये एक सामान्य सिद्धांत है, ग्रंथ भेद से इस पर अलग अलग विचार, थोड़ा विषम विचार भी दिया गया है। ये दोनों तरफ का टिप्पण देख लीजिएगा। बृहत जातक में कहा, विशेष कहा है दूसरे अध्याय 16 और 17 श्लोक में, नैसर्गिक मैत्री में ग्रहों की मित्र सम शत्रु तीन कोटियां ही होती हैं। नैसर्गिक मैत्री में क्या है, तीन ही कोटि है, मित्र सम शत्रु तीन ही कोटि होगा, तथा इनमें परस्पर स्थिर संबंध भी होते हैं। उनका जो संबंधता है, जो मित्रता शत्रुता समता, वो बराबर है, वो बदलने वाला नहीं है। परंतु तात्कालिक मैत्री में केवल दो ही कोटियां मित्र और शत्रु ही होती हैं, जो अस्थिर होती है। हरे कुंडली के एक ही बराबर मित्र नहीं होगा, आपकी कुंडली का तात्कालिक मित्र अलग होगा, दूसरे के लिए कुछ और हो सकता है, इसलिए अस्थिर कहा जाता है। उनके जो मित्र शत्रु भाव का संबंध जो है अस्थिर होता है। दोनों के संबंध से पंचधा मैत्री का निर्णय होता है। अब नैसर्गिक मैत्री और तात्कालिक मैत्री, इन दोनों के आधार पर हम क्या करेंगे, पंचधा मैत्री निकालेंगे। अधिमित्र अधिशत्रु भी तय होगा, 5 कोटि हो जाएगा। अधिमित्र सामान्य मित्र मैंने मित्र सम शत्रु और अधिशत्रु, ये तय हो जाता है। अब यहां टिप्पणी वगैरह, तात्कालिक मित्र शत्रु के निर्णय में विविध मतांतर है, अलग अलग ग्रंथकार थोड़ा अलग अलग बातें कहे हैं। देखो अतः केवल उक्त मत ही प्रमाण नहीं है, ये जो कहा गया यही मत आत्यंतिक प्रमाणिक करके नहीं पकड़ना, ये निर्भर होता है फिर आप जिस ज्योतिष की परंपरा से देखते हैं। भृगु ज्योतिष देख रहे हैं, रावण ज्योतिष देख रहे हैं, गर्ग ज्योतिष देख रहे हैं, जैमिनी ज्योतिष के आधार पर चल रहे हैं, किसके आधार पर कर रहे हैं आप, उसका थोड़ा थोड़ा फर्क है। जितनी सामान्य कथन है वो मात्र यहाँ पर कह दिया गया है।
अब अपनी अपनी परंपरा, ये हम नहीं कह सकते। या आप यदि खानदानी ज्योतिषी हैं तो खानदान से जानकारी लीजिए, आपके खानदान किस संहिता के आधार पर चलते थे। ऐसा हम अपने बताएं तो हमारे तो भृगु का है, अपने खानदान भृगु संहिता से चलते आया हुआ है। भृगु मंत्र को जपते हम लोग, बचपन से जपे हैं, तो वो खानदान से आता है। और ये जो आजकल कोई भी पढ़ लेता है, कोई भी ज्योतिषी बनता है, खानदान में तो है नहीं ज्योतिष, खून में तो है नहीं उनका ज्योतिष, ऐसे इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज से पा लिया थोड़ा ज्योतिष ज्ञान, तो अगले जन्म हो सकता है किसी खानदान ज्योतिष कुल में पैदा हो जाए। इस समय तो उसकी मर्जी, जो संहिता चाहे संहिता को पकड़ ले, हाँ किसी को पकड़ ले और अभ्यास करे। अब अगला जन्म भगवान देख भाई लगा हुआ था पिछले जन्म में, चलो इसको जो है इस संहिता को पकड़ के मेहनत किया है, इसे उसी वंश में उसको जन्म दे देंगे। दादी बुद्धियों मंग योगम तम बोले ना भगवान, है वैसे बुद्धियों वाले कुल में पैदा कर देंगे उसको। अरे उठपटांग रहेगा तो आगे उठपटांग परिवार में जाएगा ना, मृच घर में पैदा हो जाएगा। आजकल लोग अवैध की परिवार में क्यों पैदा हो रहे हैं, कारण ये पिछले जन्म उनके बिगड़ा हुआ था, भगवान ने अवसर दिया, अवसर का उपयोग नहीं किया, नतीजन उनको अब जो है अवैध की जो है संप्रदायों में जन्म लेना पड़ता है। भले हिंदू है लेकिन अवैध की संप्रदाय में, वैदिक संप्रदाय में जन्म भी नहीं मिल रहा है हिंदुओं को भी। अब उनको तो छोड़ दो, बाकियों को तो क्या हाल है उनकी। इसीलिए सबसे पहले कोई विद्या को अपना के किसी और को लाभ देना, स्वयं को लाभ पाना है तो वंशावली के अनुसार देखना चाहिए, कहां से हम चले हैं, कैसे चले आए हुए हैं, उसे आगे बढ़ो। तो इस श्लोक के अनुसार जो सामान्य भाव प्रकट होता है वह वस्तुतः संगत नहीं है, इसका आशय इस प्रकार होना चाहिए। अपनी मूल त्रिकोण राशि से जो श्लोकार्थ लोगों ने अलग कर किया है, वो उन्होंने क्या किया, मूल त्रिकोण षष्ठ पंचम नवम अष्टम ये ठीक से लिखा नहीं है, हिंदी अनुवाद जो है ठीक नहीं है। इसे वो कहा नहीं, देखो वास्तव होना क्या चाहिए था, मूल त्रिकोण राशि से प्रथम पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम भावों में स्थित ग्रह शत्रु होता है, यह होना चाहिए। जैसा कि भट्टोत्पल ने बृहद जातक के 18वें श्लोक की टीका में किसी आचार्य के मत को उद्धृत करके कहा है, मूल त्रिकोणात, देखो पंचमी, मूल त्रिकोणात धन धर्म बंधु पुत्र व्ययस्थान यगता गर्हेन्द्राः तत्कालमेते सुरदो भवन्ति स्वच्छचयो यस्य विकृष्टवीर्यः। मूल त्रिकोण से धन भाव मने दो, धर्म भाव मने नौ, बंधु मने तीन, पुत्र मने पांच और व्यय मने 12। इन भाव में रहेंगे तो व्यस्थान गता ग्रहेन्द्राः तत्कालमेते सुरदो भवन्ति, तात्कालिक इनको मित्र माने जाते हैं, और इनसे भिन्न क्या हो जाएगा, दृष्टानों में शत्रु माने जाएंगे। और वे जो अपने उच्च में हो, इन भाव में रहते हुए उच्च में भी हो, स्वच्छ यो यस्य विकृष्ट वीर, वे तो विकृष्ट वीर हो जाएगा, उनका तो अत्यंत श्रेष्ठ वीर सामर्थ्य वाले विग्रह हो जाते हैं, ऐसे उन्होंने कहा है। आप बताइए पंचदा में त्रिचक्र कैसे होता है, तात्कालिक बता दिया, नैसर्गिक बता दिया, उन दोनों से आप पंचदा मैत्री कैसे निकालेंगे वो बता रहे हैं। पंचदा मैत्री चक्र तत्काल मित्रं निसर्ग मित्रं द्वयं भवे तत्वधि मित्र संजम तथैव शत्रो रति शत्रु संजम एकत्र शत्रु समता मुपैति। मानो जो ग्रह मैत्री नैसर्गिक मैत्री में भी मित्र है, तात्कालिक मित्र में भी मित्र है, तो दोनों मित्र मिलकर के अधिमित्र कहे जाएंगे, फिर उसको मित्र प्लस मित्र, मित्र धन मित्र, अधिमित्र हो जाएगा। और नैसर्गिक में भी शत्रु है, तात्कालिक में भी शत्रु है, दोनों शत्रु शत्रु अधिशत्रु हो जाएंगे। वही समझा रहे
कि तत्काल मित्रंत निसर्ग मित्रम, तत्काल में भी मित्र है और निसर्ग में भी मित्र है, द्वयम् भवेत्, दोनों एक साथ हो जाए तो तत्तु आदिमित्र संयम तथैव शत्रु। इसी प्रकार से तत्काल में भी शत्रु है, निसर्ग में भी शत्रु है, दोनों मिलकर के उसको अधिशत्रु संयम, एकत्र शत्रु समताम उपैति, एकत्र शत्रु है अपरत्र मित्र है, तो क्या हो जाएगा? नैसर्गिक मत में सम है, इन तात्कालिक में मित्र है, उसको मित्र कहा जाएगा, और नैसर्गिक में जो सम है और इधर तात्कालिक में शत्रु है उसको शत्रु कहा जाएगा, और नैसर्गिक में भी सम है तात्कालिक में भी सम होता ही नहीं है, सवाल ही खत्म हो गई, पांच कोटि हो गया आपका, ये बता रहे हैं। मित्र धन मित्र अधिमित्र हो गया, शत्रु धन शत्रु अधिशत्रु हो गया, सम धन मित्र मित्र हो गया, सम धन शत्रु शत्रु हो गया। यथा स्वाभाविकी मैत्री चक्रम यत्र प्रतिष्ठति तादृगे वै तत्काल मैत्री चक्रम निवेशयेत। इनको लिखने वाले ज्योतिषी को बता रहे हैं, अभी किसी पन्ने में नैसर्गिक लिख दिया, किसी और पन्ने में वहां पर लिख दिया कुछ तात्कालिक कहीं और पंचदा मैत्री, ऐसे नहीं लिखना, तीनों एक ही पन्ने में लिखना है, पहले नैसर्गिक लिखो फिर तात्कालिक लिखो, उन दोनों के आधार पर पंचधाम मैत्री लिखो, ताकि कोई भी ज्योतिषी देखेगा इधर पलट के दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सामने दिख रहा है फटाफट समझ लेगा वो, ये तरीका होता है। वह बता रहे यथा स्वाभाविकी मैत्री चक्रम यत्र प्रतिष्ठिति, जिस यत्र मने जिस पन्ने में आपने स्वाभाविकी मैत्री चक्र को लिख दिया है, तादृगे वही तत्काल, उसी पन्ने में आपको तत्काल मैत्री चक्र को लिखना है, निवेशित, ताकि उन दोनों के आधार पर वहीं नीचे उसी पन्ने में पंचदा मैत्री बना सकेंगे। उदाहरण दे रहे पंचदा मैत्री चक्र निर्माण हेतु जन्मांग चक्र तथा नैसर्गिक मैत्री चक्र की आवश्यकता पड़ती है। पहले जन्मांग चक्र बना लो, जन्म कुंडली बना लिया, और नैसर्गिक तो सिद्ध है ना, तो सिद्ध है, उसे कोई परिवर्तन होना ही नहीं, स्वाभाविक मैत्री चक्र बना हुआ है, वो सभी के लिए बराबर है, दुनिया में सभी के लिए बराबर होते हैं नैसर्गिक, इसे एक तरफ नैसर्गिक मैत्री चक्र लिखो और एक तरफ कुंडली लिख लो। जैसे यहां पर आपको पूर्व पन्ने में नैसर्गिक है चक्र बना हुआ है और इधर किसी के जन्म कुंडली बना दिया, अब दोनों को देख करके समझा रहे, देखिए प्रस्तुत चक्र में सूर्य का चंद्रमा नैसर्गिक मित्र है परंतु तात्कालिक शत्रु है। देखिए सूर्य का मित्र है, पंचदा मित्र में क्या है, चंद्रमा क्या है, सूर्य का मित्र है, और वही तात्कालिक में आने के बाद सूर्य का वो शत्रु हो गया, अतः मित्र और शत्रु मिलकर के वो सम हो जाएगा। एवं सूर्य का मंगल नैसर्गिक मित्र है तथा तात्कालिक मित्र भी है, अतः मित्र धन मित्र होकर के वो अधिमित्र हो जाएगा। सूर्य का मंगल क्या है, नैसर्गिक में मित्र है और तात्कालिक में भी वो मित्र स्थान पर बैठ गया। अभी बोले थे ना मित्र कहाँ होता है, हाँ 2, 3, 4, 10, 11, 12 ये कहा गया था, वहां उसी शब्द देख लो कहाँ रहे तात्कालिक में मित्र बन रहे, बोल रहे सूर्य से, सूर्य से मंगल कहाँ है, दूसरे में देख लो, दूसरे में ही है, अच्छा सूर्य दूसरे में होने से सूर्य का वो तात्कालिक में मित्र हो गया, उधर नैसर्गिक में भी क्या देखो सूर्य का मित्र है मंगल, उस चार्ट मिधर वाले पन्ने में नैसर्गिक मित्र है मंगल, तात्कालिक में भी दूसरे भगवान में आने से मित्र हो गया, मित्र मित्र होने से मंगल सूर्य के लिए अधिमित्र हो गया। और इसी प्रकार आगे देखेंगे, इसी प्रकार सभी ग्रहों का विचार करना चाहिए, दृष्टांत दे दिया, ऐसा नहीं सभी ग्रहों को भी इस तरह देख लीजिएगा और इसका भी अपना पंचदा मित्री चक्र बन जाएगा।